नमस्कार दोस्तों, जेवल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी लोगों की पेंशन नहीं आई उनसे मैं बता दूं कि जो है आपकी पेंशन कब आ सकती है और किस तरीके से आ सकती है। तो चैनल पर बने रहिएगा, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पेंशन से रिलेटेड या योजनाओं से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार मिलती रहेगी। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में 1500 रुपये पेंशन की बात कही थी, जो कि अभी तक तो नहीं आई, लेकिन 1000 रुपये आपके आ चुके थे जो एडवांस में आ चुके थे। अब उम्मीद पूरी पूरी है कि 1500 रुपये आपकी पेंशन आएगी, यानी कि 1500 रुपये महीना, और जो यूपी सरकार है वो 3 महीने के अंदर आपको पेंशन देती है, तो 4500 रुपये महीना आपकी, जो 4500 रुपये हैं वो 3 महीने के अंदर आपकी पेंशन आएगी। अब अगर जिनकी पेंशन नहीं आई तो उनकी पेंशन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम है जो जनवरी के महीने में नहीं आई तो उनको तो चेक करना पड़ेगा। लेकिन जिनकी जनवरी के बाद नहीं आई उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनवरी महीने में मार्च तक की पेंशन एडवांस में आ चुकी थी, जो कि आपने देखा भी होगा, जो आपके दिसंबर महीने के थे 1000 रुपये और एक्स्ट्रा आपके जनवरी और फरवरी, ठीक है, आपके जो थे 3000 रुपये उन्होंने एडवांस में दे दिए थे। इस तरीके से जो है आपकी अभी मार्च के बाद जो पेंशन आएगी अप्रैल मई जून, इन तीनों की इकट्ठी होकर के आएगी, जो कि 1500 1500 यानी कि टोटल आपके 4500 रुपये जून के अंदर आपको मिल जाएंगे। 4500 रुपये आपकी जून में पेंशन आएगी। उससे अलावा अगर आपकी जनवरी में महीने में नहीं आए 3000 रुपये, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है आपके जो विकास भवन है, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर विकास भवन होगा और उसके अंदर आपका होता है दिव्यांग कल्याण विभाग। उस दिव्यांग कल्याण विभाग में जाकर के आपको जानकारी लेनी है कि हमारे साथ इस तरीके से प्रॉब्लम है और हम क्या करना चाहिए, हमें KYC वगैरह करवानी है या फिर हमें किस तरीके से क्या करना है, और पेंशन क्यों नहीं आ रही उसका रीज़न भी आपको पता करना पड़ेगा। वहाँ से जाकर के आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, दिव्यांग कल्याण विभाग में आपको बता दिया जाएगा कि आपकी पेंशन जो है कैंसिल है या फिर आपको दोबारा से रीओपन करनी पड़ेगी या किस तरीके से क्या करना पड़ेगा, आपके फॉर्म में क्या गलती है क्या नहीं है, वो जानकारी आपको वहाँ से पता चल जाएगी। और आपके अगर जनवरी महीने में 3000 रुपये आ गए थे उसके बाद पेंशन नहीं आई तो कोई घबराने वाली बड़ी बात नहीं है, उसके बाद अब आए किसी की भी नहीं आई, क्योंकि अब जो है आपके जून के महीने में आपके 4500 रुपये आएंगे, जो कि 1500 1500 रुपये इकट्ठे होकर के 3 महीने के आएंगे। और इसके अलावा कोई भी जानकारी होगी पेंशन से रिलेटेड तो हम इस चैनल के माध्यम से हम लगातार आपको देते रहेंगे। चैनल पर आप बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।